है व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एपीआई, एपीआई क्या होती है, एपीआई काम कैसे करती है, एपीआई का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्या एपीआई डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करती है। सो गाइज आज इन तमाम सवालों के जवाब हम एक सिंगल वीडियो में देखेंगे। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन भी होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए। गाइज जिससे होगा कि ये कि जो भी हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। सो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाउ अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि एपीआई की डेफिनेशन क्या होती है। गाइस अगर आप एपीआई को सर्च करोगे यूट्यूब पर या विकिपीडिया पर तो विकिपीडिया पर आपको एक पूरा चिट्ठा मिल जाता है जिसमें आपको समझ में कुछ भी नहीं आता। और अगर आप यूट्यूब की बात करते हो तो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स ने एपीआई के ऊपर वीडियो बना रखी है लेकिन गाइज वहाँ पर भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते। सो गाइज आज ये बिल्कुल सिंपल वीडियो है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट एपीआई के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। सो यहाँ पर देखते हैं कि एपीआई क्या होती है। एंड एपीआई एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन टू एप्लीकेशन सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। मीन्स एक सिंपल सी डेफिनेशन है, दो एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराने के लिए एपीआई का यूज़ होता है। मीन्स एपीआई एक इंटरफेस की तरह काम करती है दो एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराने में। एपीआई इज़ द मैसेंजर दैट डिलीवर्स योर रिक्वेस्ट टू द प्रोवाइडर दैट यू आर रिक्वेस्टिंग इट फ्रॉम एंड देन डिलीवर्स द रेस्पॉन्स बैक टू यू। मीन्स गाइज क्या होता है कि एपीआई एक मैसेंजर की तरह काम करती है जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइडर तक लेकर जाएगी और जो सर्विस प्रोवाइडर रेस्पॉन्स करेगा उस रेस्पॉन्स को आप तक लाकर देगी। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट आता है एपीआई कैन कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क एंड ऑल्सो विदाउट नेटवर्क। गाइज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपली इस पॉइंट को आप समझिए कि एपीआई जो होती है वो अगर दो एप्लीकेशन हमारी नेटवर्क के अंदर है और वे आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वहाँ पर भी एपीआई यूज़ होती है। देन उस केस में हम एपीआई को वेब सर्विसेज भी कह देते हैं। अगर गाइज हमारी कोई एप्लीकेशन विदाउट नेटवर्क होती है तो हम उसे वेब सर्विसेज नहीं कहते। इतनी बात गाइज क्लियर है। गाइज एपीआई और वेब सर्विसेज, काफ़ी लोग इस टर्म को एक टर्म समझते हैं, वेब सर्विसेज को ही एपीआई कह देते हैं और एपीआई को ही वेब सर्विस कह देते हैं। सो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब गाइज हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एपीआई ऑल्सो अलाउ एप्लीकेशन टू एक्सेस हार्डवेयर, एग्जाम्पल कैमरा एपीआई। आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ऐप जो है वो किसी कैमरे को एक्सेस करे तो वहाँ पर आप कैमरा एपीआई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ एपीआई वर्क्स, एपीआई काम कैसे करती है। सो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है जो कि मैंने खुद ड्रॉ किया है। ये एक एग्जांपल है रेस्टोरेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड तो हमारा एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि कुछ ऑर्डर करने के लिए बैठा है, एक साइड यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि कुछ ऑर्डर करना चाहता है, एक यहाँ पर वेटर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके ऊपर एपीआई लिखा हुआ है, और एक यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन टू मींस किचन है। तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन वन मींस एक पर्सन है, एक एप्लीकेशन टू मींस एक किचन है और एक एपीआई यानी कि एक वेटर है। यहाँ पर वेटर से कंपैरिजन क्यों क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एपीआई मैसेंजर की तरह काम करती है। तो गाइस यहाँ पर होता क्या है, देखिए कि ये जो पर्सन है ये ऑर्डर देता है वेटर को, तो वेटर क्या करता है इस पर्सन की रिक्वेस्ट को किचन तक लेकर जाता है एंड वहाँ से वेटर को जो भी रेस्पॉन्स मिलता है वेटर उस रेस्पॉन्स को पर्सन तक डिलीवर कर देता है। क्लियर है गाइज। सो गाइज यहाँ पर जो वेटर है वो एज ए मैसेंजर काम करता है, मींस रिक्वेस्ट को लेकर जाता है और रेस्पॉन्स को लेकर आता है। क्लियर है गाइज। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यूट्यूब का। सो गाइज क्या होता है कि यूट्यूब आप लोग सभी यूज़ करते हैं, आप जैसे यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या होता है, सपोज दैट जैसे आपने सर्च किया द कोडिंग शेफ, तो यूट्यूब की एपीआई क्या करती है कि वो द कोडिंग शेफ को एज ए रिक्वेस्ट लेकर जाएगी कहाँ पर, यूट्यूब के सर्वर तक, एंड जो भी रेस्पॉन्स यूट्यूब का सर्वर एपीआई को देगा तो एपीआई उस रेस्पॉन्स को यूट्यूब के एप्लीकेशन को लाकर दे देगी। देन यूट्यूब की एप्लीकेशन क्या करती है उस रेस्पॉन्स को इंटरप्रेट करती है
एंड यूजर को शो कर देती है। सो यहाँ पर भी एपीआई वर्क करती है, रिक्वेस्ट को लेकर जाती है, रेस्पॉन्स ला कर देती है। अब गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पॉपुलर एपीआई हैं, गूगल मैप एपीआई, यूट्यूब, फेसबुक एपीआई, ट्विटर एपीआई एंड अमेजन एडवर्टाइजिंग एपीआई। अब गाइस ये एपीआई क्या है, ये थर्ड पार्टी एपीआई है। सपोज दैट मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मुझे गूगल मैप का यूज़ करना है। एंड गाइस गूगल मैप का यूज़ मैं तब कर सकता हूँ अगर मेरे पास गूगल के डेटाबेस का एक्सेस हो। सो गाइस गूगल के डेटाबेस का एक्सेस तो मेरे पास नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि गूगल अपने डेटाबेस का एक्सेस क्यों देगा किसी को, क्या नीड है उसको। सो गाइस मैं क्या करूँगा, गूगल की मैप की एपीआई को अपने ऐप में इंटीग्रेट कर लूँगा और जो गूगल की जितनी भी सर्विसेज होती हैं मैप के रिगार्डिंग, उन सारी सर्विसेज को मैं अपने ऐप में यूज़ कर लूँगा ईजिली। सो ऐसे ही यूट्यूब की एपीआई यूज़ हो जाती है, ऐसे ही फेसबुक की, ऐसे ही ट्विटर एंड ऐसे ही अमेजन एडवर्टाइजिंग एपीआई का हम यूज़ कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ एपीआई हेल्प्स डेवलपर्स, डेवलपर्स को एपीआई का फ़ायदा क्या होता है। अब गाइस मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। जैसे मैं एक डेवलपर हूँ और मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो मुझसे कहता है कि सर मुझे अपने एप्लीकेशन में एक फेसबुक का लॉगिन चाहिए, कि मीन्स यूज़र आ सके और वो फेसबुक के थ्रू उसमें उस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सके। सो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ठीक है ओके हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो फेसबुक के डेटाबेस का एक्सेस नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा उसको। तो मैं क्या करूँगा, फेसबुक की एपीआई जो होती है थर्ड पार्टी एपीआई, उसको हम यूज़ कर लेंगे, जो कि लॉगिन एपीआई होगी फेसबुक की। अब उस एपीआई के थ्रू मैं फेसबुक के लॉगिन फीचर को अपने ऐप में इजीली यूज़ कर सकता हूँ। गाइस यहाँ पर हुआ क्या कि मुझे डेटाबेस की नीड तो पड़ी, डेटाबेस मैंने एक्सेस भी किया, लेकिन इनडायरेक्टली। सो गाइस एपीआई क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी रीजन के लिए भी एक काफ़ी बेनिफिशियल होती है। मीन्स डेटाबेस का एक्सेस भी हमने कर लिया, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस हमारे पास फिर भी नहीं है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, डेवलपर डो नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील ओवर एंड ओवर। मीन्स डेवलपर को यहाँ पर एक बेनिफिट और मिल जाता है कि अगर डेवलपर को कोई एक ऐसी फंक्शनलिटी का यूज़ करना है कि जिसका कोड पहले से ही लिखा हुआ है, जिसकी एपीआई पहले से ही अवेलेबल है, तो डेवलपर क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है और मुझसे कहता है कि सर मुझे एक ऐप बनवाना है कि जिसके अंदर मुझे कैमरा चाहिए, सो मैं क्या करूँगा, कैमरे का कोड दोबारा तो नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, कैमरे की एपीआई को यूज़ कर लूँगा। देन सिंपल, तो मैंने क्या किया कि कैमरे का कोड मैंने दोबारा किया भी नहीं, लेकिन कैमरे की फंक्शनैलिटी को मैंने यूज़ कर लिया अपने ऐप में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, डेवलपर्स कैन एबल टू डेवलप एफिशिएंट प्रोडक्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। गाइस एपीआई की हेल्प से जो डेवलपर्स होते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट को ईजिली कम टाइम में कर सकते हैं। होप सो गाइस आपकी समझ में आया होगा एपीआई क्या होती है, एपीआई वर्क कैसे करती है, कौन कौन सी एपीआई मार्केट में अवेलेबल है, डेवलपर्स एपीआई का यूज़ कैसे करते हैं। सो गाइस अगर आपकी ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड गाइस उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए जिन लोगों को एपीआई के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। अगर गाइस आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या गाइस आप एपीआई के ऊपर आगे डिटेल में और वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।